यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की तारीख में बॉलीवुड के पीछे हर एक रिव्यूअर हाथ धो के पड़ा हुआ है। बस उनको सिर्फ बुराई 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 नजर आ रही है, उनको अच्छाई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने अपनी लाइफ में, मैं हाँ आपको बोल रहा हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ तो ऐसा चीज किया होगा जो फर्स्ट टाइम किया है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि लोग हमें तारीफ करें, लोग हमें मोटिवेट करें ताकि हम लोग जो चीज किए हैं उससे भी ज्यादा अच्छी करें। लेकिन आज जब बॉलीवुड में कुछ अलग करने की कोशिश की है सालों बाद, जो चीज हमें चाहिए थी, जब वो प्रोडक्ट आया तो लोग सिर्फ बुराई बुराई निकाल रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस मूवी में बुराई है नहीं, बुराई है, बुराई हर एक मूवी में होती, कोई भी मूवी यहाँ पर परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अननेसेसरी की हेट फैलाई जा रही है जो कि सोशल मीडिया पे वो साफ समझ में आती है। खैर आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी की, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की है। खैर मैं आपको इस मूवी की कहानी बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो ज्ञानी ऋषि मुनीस है, उन लोगों ने घोर तपस्या करके एक वरदान हासिल किया, यानी कि ब्रह्म शक्ति। लेकिन वो ब्रह्म शक्ति जैसी धरती से टकराई है तो अलग अलग अस्त्रों का जन्म हो गया, यानी कि पवन अस्त्र, जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नंदी अस्त्र वगैरह वगैरह। सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग अस्त्र तो ले लिए, लेकिन इस ब्रह्म शक्ति में एक बड़ा अस्त्र था जो कि सारे अस्त्रों का देवता है, यानी कि ब्रह्मास्त्र। अब ये ब्रह्मास्त्र की सबसे अच्छी बात यह कि निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। तो अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे रणवीर कपूर यानी कि शिवा की एंट्री होती है और शिवा इन सारी चीजों से क्यों कनेक्टेड है, सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। इस मूवी की आन बान और शान है SRK और नागार्जुन सर। पूरी मूवी एक तरफ, शाहरुख खान का खेमियो एक तरफ। मूवी के जो स्टार्टिंग के 14 मिनट है भाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो समझ लेना आपके टिकट के आधे पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि शाहरुख खान ने जो बवाल मचाया, मतलब उनको स्क्रीन पर देखकर, उनका परफॉर्मेंस देखकर दिल खुश हो जाए। नागार्जुन सर का यहाँ पर एक्सटेंडेड केमियो है, लेकिन वो भी अपने रोल में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो थे दो मूवी के ऐसे सीन जो मतलब मूवी के बाद भी आपको याद रह जाएंगे। लेकिन उसके अलावा मूवी की जो सबसे नेगेटिविटी है वो है इसकी लव स्टोरी। पहली बात तो मुंबई जैसे शहर में अगर आपको कोई लड़की मिलती है जो कि बहुत रिच है और आप एक डीजे वाले एक गरीब लड़के हो, तो वो लड़की आपसे पहले तो पटेगी नहीं, और अगर पटेगी भी तो 2 दिन में तो आपसे पटेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवी में ऐसा बताया कि भाई 2 दिन में शिवा से ईशा पड़ जाए। लेकिन हाँ चलो मान लेते कि भाई ये मूवी है, लेकिन उसके बाद ये लव स्टोरी को इतना ज्यादा एक्सटेंडेड किया, इतना ज्यादा एक्सटेंडेड किया कि वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मान तो यहाँ पर डायरेक्टर ने पहले ही बोला था कि ये एक लव स्टोरी होगी, ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए ऑडियंस को, जो कि हो रहा था कि डायरेक्टर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते, इसलिए आगे चल के ये लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। तो यार हम लोग बहुत बार लव स्टोरी देखे, तो उस चीज को रबड़ की तरह खींचने का जरूरी था। और ऐसी मूवी में जहाँ पर तुम अस्त्र वर्ष लिखते हो और अस्त्र वर्ष में आप अस्त्र वर्ष को साइड में रखते हो, और बहुत जगह पे मूवी में रणबीर कपूर का कैरेक्टर शिवा भी ब्रह्मास्त्र के भाड़ में मुझे मेरे को ईशा मांगता है, बस ईशा के बिना मैं रह नहीं सकता, मतलब खुद एक अग्नि अस्त्र होने के बावजूद भी उसको ब्रह्मास्त्र ये सब चीजों में कुछ भी नहीं पड़ी है, उसको बस ईशा मांगता है। ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अस्त्र वर्ष के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया, यानी कि इतने सारे अस्त्र होने के बावजूद भी हम लोग वो फील ही नहीं करते, चाहे वो नाग अस्त्र हो, चाहे वो प्रभास अस्त्र हो, चाहे पवन अस्त्र हो, उनके ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया, जो कि अगेन डिसअपॉइंटेड था। लेकिन मूवी की अगर विजुअल्स की बात करें, ऐसे विजुअल्स आप लोग हॉलीवुड की मूवीज में देखते हो, यकीन मानो वो आपको बॉलीवुड की मूवी में देखने को मेरा, और स्टार्ट से लेके एंड तक इसके CGI VFX मतलब नेक्स्ट लेवल के। हालांकि शाहरुख खान की एक मूवी थी रावण, उस लेवल का CGI यहाँ पर मुझे शायद फील नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग बॉलीवुड की दूसरी कितनी भी मूवीज को खंगालोगे ना, तो इससे बढ़िया VFX आपको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए, इतना CGI देखने को मिलेगा ही नहीं। और वो इस मूवी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, मूवी का BGM वाओ, जब वो SRK के एक्शन सीन्स पर बजाने वाला BGM होगा, अर्जुन सर के टाइम पे BGM हो, या मूवी में थ्रू आउट द BGM हो, BGM कहीं से भी आपको कमी नजर आएगी ही नहीं। लेकिन अगर BGM का नाम मिल लिया तो भाई सॉन्ग्स की बात करूँ तो देखो ऐसी मूवी में मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवीज देख लो तो देखो कितनी सारी मूवीज बनी है एक से बढ़कर एक, लेकिन कभी आप लोगों ने सॉन्ग्स देखा है? वो आजकल डालने लगे MCU वाले बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चलाते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन सॉन्ग्स अच्छे होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर मूवी की जो कहानी है उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा था, मतलब वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खराब कर रहा था इसके सॉन्ग्स।
अगर सॉन्ग्स नहीं होते तो वो और भी ज्यादा मजा आता है। अगर मूवी के एक्शन सीन्स की बात करूं, कमाल है। मूवी के एक्शन ही सबसे बड़ी जान है। अगर लव स्टोरी को आप लोग हटा दो ना, तो जब जब एक्शन सीन आता है ना भाई, पर्दे पर से नजर नहीं हट रही थी। मूवी आपको एज ऑफ द सीट रखती स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली सोचते हो कि भाई अब क्या होगा, आगे ये लोग क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। पूरी की पूरी मूवी खत्म हो जाती है और जहां पर ये मूवी खत्म होती है वहां से आप इसका सेकंड पार्ट का वेट होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें सेकंड पार्ट में या तो ऋतिक रोशन या तो रणवीर सिंह, ये दोनों में से कोई एक ऐसा एक्टर देखने को मिलेगा जो कि मेन कैरेक्टर प्ले करे। यही दो पोटेंशियल लगते हैं उस बड़े कैरेक्टर को प्ले करने का। मूवी में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार रणवीर कपूर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आलिया भट्ट ने बहुत अच्छा साथ दिया है। अमिताभ बच्चन सर की तो भाई क्या ही कहने, मतलब वो एक लेजेंड है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं, जब वो डायलॉग्स बोलते हैं, एक्शन करते हैं, तो बस आप उन्हीं को देखते हो। और एज गुरुजी अमिताभ बच्चन दिल पर आपके राज करेंगे। नागार्जुन सर और शाहरुख खान की बात करो तो भाई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि उनके कैमियो ही मूवी पर भारी पड़ गए हैं। मूवी की जो सबसे बड़ी क्रिंज है वो इसके डायलॉग्स। सिर्फ अमिताभ बच्चन सर जो स्टार्टिंग में नरेशन देते ना, बस वही नरेशन के थ्रू, वही नरेशन को अच्छी तरह से लेकर, इसके अलावा मूवी में कोई भी ऐसा डायलॉग है जिसको आप लोग याद रख सको मूवी खत्म होने के बाद। डायरेक्शन की बात करो तो भाई, डायरेक्शन आयान मुखर्जी का जो विजन है बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्रैंड है, देखकर मजा आया। एंड मैं आयान मुखर्जी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरी तारीफ आयान मुखर्जी की नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी है, यहाँ पर सीजीआई वीएफएक्स वाले भी है। तो कुल मिला के पूरी टीम की जो एक मेहनत दिल खुश करती है और ऐसी उम्मीद आपके दिल में लेके आती है कि भाई हिंदुस्तान में, स्पेशली बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक नए तरीके का सिनेमा शुरू हो रहा है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स को मोटिवेशन मिलेगा, वो और भी अलग अलग जॉनरा की मूवीज लेकर आएंगे, स्पेशली सुपर हीरो जॉनरा की। तो देखते हैं, मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हो, एक ही किसिंग सीन है। तो बस मिलते हैं इस वीडियो में, टिल देन